निम्प्रेक्स पी टेबलेट जिसे दर्द और सूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स आमतौर पे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निम्प्रेक्स पी के डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन, यूज़ सब कुछ जानेंगे, तो आपको वीडियो ला सकिए उसे देखना है। निम्प्रेक्स पी टेबलेट जिसका MRP है 50 रुपये यानी 50 रुपये, जो कि 15 टेबलेट का किस्टिप आता है, इसे सेगुल्ला फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसमें कंटेन है नीमोसिलाइट 100 mg, पैरासीटामॉल 325 mg, कुछ इस तरह के पैक में आता है। ये आपको इजिली मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसे किसी भी मेडिकल शॉप पर ले सकते हैं। निमोसिलाइड एंड पैरासीटामॉल जो कि पेन रिलीफ और सूजन से राहत देता है, जैसे कि दर्द हो, बुखार हो, इसमें बहुत ही बेहतरीन काम करता है फ्रेंड्स। और बुखार देखिए, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द, कान और गले में दर्द, कहीं पे फोड़ा गया, फुंसी हो गया है, या फिर चोट लग गई है, कट गया है, जल गया है, तो उसमें भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। सर दर्द हो रहा है तो बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं इसके डोज़ के बारे में। इसका डोज़ जो है, एक अडल व्यक्ति दिन में 2 टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद खा सकता है, लेकिन जो डोज होता है वो डॉक्टर इसके वेट और एज और कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसे देते हैं, तो इसीलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी इसका सेवन करें। और अगर 12 साल से कम बच्चा है तो इसे यह टेबलेट बिल्कुल भी ना दें। इसे लंबे समय तक यूज़ करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तब तक हम इसके कॉमन साइड इफेक्ट समझते हैं। इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट अगर आपको हो सकता है, तो जैसे कि मतली, उल्टी, दस्त, या फिर सर में दर्द होना, या फिर गैस बनना। अगर गैस की समस्या से आप बचना चाहते हैं तो इसे खाना खाने के बाद खाइए, या एक गैस की टेबलेट भी इसके साथ ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं इसके गंभीर साइड इफेक्ट। गंभीर साइड इफेक्ट में जैसे कि आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपके शरीर में सूजन हो सकती है और समस्या हो सकती है। तो लंबे समय तक ना इस्तेमाल करें, जब तक डॉक्टर इसे देते हैं तब तक ही इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं इसके सावधानी के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपको देखिए लीवर या किडनी संबंधित प्रॉब्लम है, तो इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। जो महिला प्रेग्नेंट है, फ्रेंड्स, जो मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ, वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप शराब का सेवन किए हैं तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने आपको बता दिया है कि 12 साल के अगर कम बच्चा है तो इसका सेवन ना कराएं। और अगर आप ये टेबलेट लेते तो इसका एक्सपायरी डेट जरूर से चेक कर लें, तभी इसे लें, नहीं तो ना लें। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इस कंटेंट में कोई भी ले सकते हो, जो मैंने आपको कंटेंट बताया है। और अगर आपको निमोसिलाइड या पैरासीटामॉल से एलर्जी है तो इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको तुरंत ही साइड इफेक्ट हो सकता है। इसे खाने के बाद ड्राइविंग ना करें, क्योंकि किसी किसी को चक्कर भी आ जाता है ये खाने से। तो फ्रेंड्स ये था निम्प्रेक्स पी टेबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक हो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निम्प्रेक्स पी टेबलेट के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, हमारा काम है सिर्फ मेडिसिन की नॉलेज देना।